शेयर बाजार में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बहुत महत्व होता है। ये होता क्या है रेजिस्टेंस और सपोर्ट, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर और मैं आपसे बात करूंगा अभी कि शेयर में रेजिस्टेंस क्या होता है और सपोर्ट क्या होता है। देखो, कोई व्यक्ति समझो नीचे 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 गिर रहा है, समझो ऊपर के मंजिल से नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है तो वो कोशिश करता है कि कहीं पकड़ लूँ, और वो उसको कुछ तभी हाथ में एक आधा हुक आता है या एक आधी रस्सी आती है या कहीं तभी वो पकड़ लेता है और वहाँ वो रुक जाता है, वो नीचे गिरता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि उसको कुछ तभी सपोर्ट मिलता है और वो सपोर्ट की वजह से नीचे गिरता नहीं हो। वैसे समझो एक आधा विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी, और वो विद्यार्थी बहुत पढ़ाई कर रहा है, बहुत ही पढ़ाई कर रहा है, और उसको 70% मार्क मिले। फिर लोग बोलते हैं उसके पेरेंट्स, नहीं नहीं तू अच्छी पढ़ाई कर सकता है, और कर और कर पढ़ाई, तो ये और पढ़ाई करता है और पढ़ाई करता है, और फिर वो 70 के 70 ही फिर रहते हैं, फिर एग्ज़ाम आती है फिर 70 ही है, फिर बोलते हैं नहीं नहीं तू कर सकता है, फिर और पढ़ाई करता है 70 ही है। मतलब एक ऐसी पोजिशन आती है उसको कि भाई वो 70 के ऊपर जा ही नहीं सकता, तो वहाँ उसको रेजिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस वहाँ आ गया, अभी ऊपर नहीं जा सक रहा है। अब शेयर मार्केट में एग्जैक्टली वैसे ही होता है। समझो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर है और आज उसके भाव समझ चलो कि 521 रुपये है, तो टेक्निकल एनालिसिस में ये स्टडी करके हम बता सकते हैं कि इसका सपोर्ट कहाँ है, कि भाई उसके नीचे तो वो गिरेगा ही नहीं, वो बार बार जाके वहाँ टकराएगा और टकराने के बाद में फिर से वापस वो उछल के ऊपर आ जाएगा। तो जब मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट से चर्चा कर रहा था तो उसने मुझे निकाल के दिया काफ़ी पढ़ाई करके कि 480 में उसका बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है, उसके नीचे जाने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है, बहुत ही तगड़ा सपोर्ट। और 480 तक यदि आ जाता है उसके आसपास भी आप जितनी ताकत है उतना खरीद लो, आपको बहुत बड़ा फायदा हो जाए। तो ये हो गया सपोर्ट का कि नीचे कितना जा सकता है, और ऊपर का तो उन्होंने बताया मुझे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर जो है अभी आज के दिन ये इसका जो रेजिस्टेंस है, मतलब कि भाई इसके ऊपर जाने के लिए बहुत ताकत लगी, इसके ऊपर उसकी कीमत जाएंगी नहीं, वो बोले 560, और 560 के ऊपर उसको बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, यदि वो तोड़ देता है तो फिर एकदम 725 तक ही जाएगा, फिर 725, फिर दूसरा रेजिस्टेंस जो ऊपर मिलेगा उसको 725 है। तो ये स्टडी करके हम देख सकते हैं और स्टडी से मालूम पड़ता है कि भाई उसका सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है, और फिर उसमें आपको ट्रेड करते आना चाहिए कि भाई वो नीचे 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 जा रहा है तो लोग स्टॉप लॉस लगाते कि भाई अभी स्टेट बैंक का शेयर जो है वो 480 उसने तोड़ दिया, 480 तक गया, जिसको खरीद के रखना है वो खरीद लेगा, मगर ऑप्शन वाला क्या करेगा, 480 तोड़ दिया उसने, अब उसका सपोर्ट चले गया, अब लड़खड़ा रहा हो, अब पता नहीं नीचे कितना जाएगा, तो फिर वो लोग बोलते अभी बेच डालो, क्योंकि अभी 440 तक जाएगा कि 400 तक जाएगा नीचे मालूम नहीं, बेचो, फिर लोग बेचना चालू कर देते। तो उसके लिए दोनों के लिए भी है कि फंडामेंटली इन्वेस्ट करने वाले जो लोग हैं बोलते बैंक तो अच्छी है, स्टेट बैंक है, 480 के भाव में मिल रहा है तो बिल्कुल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ऑप्शन वाला बोलेंगे नहीं नहीं वो तोड़ दिया उसने सपोर्ट, अब तो कोई उसकी खैर नहीं है, अभी उसको बेचना ही पड़ेगा, मतलब बेच डालो। वैसे रेजिस्टेंस जो है तो लोग रुकते हैं कि भाई उसने रेजिस्टेंस तोड़ना चाहिए, एक बार उसने, क्योंकि बार बार देख रहे कि 520 का शेयर 560 तक जा रहा, फिर वापस आ रहा, फिर ऊपर जा रहा, फिर आ रहा, फिर क्या आ रहा, फिर आ रहा, मतलब वो 560 नहीं तोड़ रहा है, एक बार उसने 560 तोड़ दिया फिर बहुत भागेगा, तो लोग उसका इंतजार करते कि 560 कब तोड़ेगा, और वो एक बार तोड़ दिया तो फिर लोग खरीदना चालू कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद में बहुत बड़ा पैसा लोग कमा सकते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का ये महत्व है, और ये यदि पढ़ाई हम करते हैं तो शेयर मार्केट में बहुत अच्छा पैसा लोग कमा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।